टुडेज प्रोजेक्ट नेम इज़ ई सोलन। तो फ्रेंड्स, आज के इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा और बताऊंगा इस टोकन के जरिए आप किस तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव के साथ एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो इस प्रोजेक्ट की जो है थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी स्टार्ट्स हेयर फॉर अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट असल में जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। आप किस तरीके से इस प्रोजेक्ट से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं फ्यूचर में, इसकी कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा। उसमें जो है आप इसको पैन केक स्वैप के ज़रिए जो है किस तरीके से बाय कर सकते हैं। कूपन चार्ट्स पे भी ये अवेलेबल है। कॉम्प्री वाया ब्लॉग और कॉम्प्री वाया फिक्स के साथ भी देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम डिटेल्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल। ये एक स्मार्ट चेन प्रोजेक्ट है। आप किस तरीके से ट्रस्ट वॉलेट या अपनी डीफ है जो है वो वॉलेट के ज़रिए आप किस तरीके से इसको बाय कर सकते हैं, इसको किस तरीके से आपने कनेक्ट करना है, इसकी डिटेल भी आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। उससे नीचे चलते हैं तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट जो है वो वर्क करता है। हु वी आर, वी वेयर बोर्न टू चेंज द वर्ल्ड, वी आर ए टेक्नोलॉजी कंपनी क्रिएट्स इन 2021 विद अ फोकस ऑन बिल्डिंग चेंजिंग पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल विच आर सेल्फ सस्टेनेबल एंड पावर्ड बाय क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसमें ये टोकन है फ्रेंड्स, आपको मिल जाता है। और किस तरीके से, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, आप यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्मार्ट चेन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो इसमें आप Web20 में ही इसको बाइनांस स्मार्ट चेन के ज़रिए यानी कि BSC स्कैन के ज़रिए, BSC के ज़रिए आप इसको बाय कर सकते हैं। इसमें वर्जन आ जाते हैं जिसकी डिटेल मैं आपको बता दें। ये कंप्लीट डिटेल्स जो हैं ये प्रोवाइडेड हैं यहाँ पे, आप इसे जो है वो स्टडी कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आगे नीचे चलते हैं, मार्केट प्लेस के ऊपर चलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ब्राज़ीलियन जो एसोसिएशन है उनकी एक जो सर्वे है उसके मुताबिक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी तादाद जो है 2030 के अंदर तक 35 मिलियन के करीब हो जाएगी। तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है आपको अच्छा बेनिफिट देगा फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है और एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर का जो है एक इनिशिएटिव है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो ज़रूर इस टोकन को बाय करें और फ्यूचर में आप एक अच्छा मैसिव प्रॉफिट इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्वायरमेंट को जो है वो हेल्दी बनाने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव आप ले सकते हैं। इधर इनकी टीम के बारे में जो है वो डिटेल दी गई है थोड़ी सी। तो ये लोग जो है वो इस टीम के जो है इनिशिएटिव में एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। आगे नीचे चलते हैं, मज़ीद जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें देख सकते हैं जो है इनके पोस्ट 2025 तक, और जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर्स के बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है, और उसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट इन द 10 लार्जेस्ट सिटीज इन द ब्राज़ील अंटिल 2022-23। अच्छा, उसके बाद आगे देख सकते हैं सोलर प्लान अंटिल 2025 तक वो जो है वो 10 हो जाएंगे, जिसके ज़रिए आप सोलर पैनल के ज़रिए आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं और एक जो है बहुत ही लो कॉस्ट के ऊपर आप जो है इन्वायरमेंट को भी अच्छा करेंगे, और साथ ही साथ एक चीप प्राइस में जो है वो आप व्हीकल की जो है वो डेली बेस ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट जो है वो रन कर सकते हैं। आगे रोड मैप है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नवंबर 2021 के अंदर जो इन्होंने प्लान्स अचीव किए हैं, उसके बाद ABR 2022 के अंदर जो प्लान्स हैं, उसके बाद सितंबर में आ जाते हैं, और इसी तरह से 2024 तक जो प्लान्स इन्होंने अचीव करने हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मार्च 2022, उसके बाद जुलाई के आ जाते हैं इनके, और जून में और इसी तरह से 2025 तक के जो इनके प्लान्स हैं वो भी आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आगे नीचे चलते हैं, चार्ट देख लेते हैं। चार्ट देख लें आप, ऑलरेडी आपको पता है मार्केट डंप में है, इस वजह से जो है ये थोड़ा सा वो जो है इसमें रन आया हुआ है वो
बेरिश रन है, लेकिन उसके बाद आप देखें यहाँ पे मार्केट जो है वो स्टेबल हो गई है। यहाँ से मार्केट स्टेबल है और इस टाइम ये टाइम बहुत अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए आपके लिए। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप फ्यूचर में एक अच्छा बड़ा गेन देखेंगे इसके अंदर। तो फ्रेंड्स ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये जो टाइम है, ये जो आप देख रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये इस टाइम अपने सपोर्ट लेवल पे है और आप यहाँ से ये रेजिस्ट जो है करके आगे बुल रन लेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है ना इसको बाय करें और जो है ना फ्यूचर में एक अच्छा मैसिव प्रॉफिट जो है वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। लास्ट में चलते हैं फ्रेंड, कुछ डिटेल्स दी गई हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको भी रीड आउट कर सकते हैं और आखिर में आपको कॉन्टैक्ट मिल जाता है, यानी कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इनकी ईमेल प्रोवाइडेड है, आप यहाँ पे जो है इनको ईमेल कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप यहाँ पे इनको ईमेल कर सकते हैं या फर्दर मुझे जो है वो आप इनबॉक्स कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो इसमें इन्वेस्ट करें, अपनी इनकम को जनरेट करें और बने रहें मेरे चैनल को। लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो में। गुड बाय।